जय बच्चों, आप सभी का फोर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों आइए, हम बात कर रहे हैं आज 2020 एनडीए फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, और ये लेक्चर आपका 20, जी हाँ 2020, बिल्कुल 2020 के पेपर का ही 20वां लेक्चर आपके बीच में आ रहा है, जिसमें हमने कुछ लेक्चर पहले भी बनाए। ठीक है, अब यहां पर ज्यादा वेट ना करते, क्योंकि एनडीए फर्स्ट और सेकेंड दोनों के अटेम्प्ट, सेट ए में 66 नंबर पर क्वेश्चन आया है, नासिम अल बहार इज अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, और आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज पूछी जाती है भाई, कई बार आर्मी रैंक पूछी जाती है, बताएं इस रैंक के इक्विवेलेंट कौन सी रैंक एयरफोर्स में होती, नेवी में होती, आर्मी में होती, आपको ध्यान रखना है, यही चीजें आपसे पूछी जाए। तो ये एक तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन से, करंट अफेयर में आप मैडम की क्लास अटेंड कर ही रहे हैं तो वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो नासिम अल बहार द्विपक्षीय है, बायलेटरल है, दोनों देश आपस में मिलकर करते हैं, तो कौन सा देश है, इंडिया और, तो बिल्कुल इंडियन नेवल एक्साइज और रॉयल नेवी ऑफ ओमान, जी हां याद रखिए, रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच में बायलेटरल, जिसका नाम है नासिम अल बहार, एक्साइज ओमान सी में होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, वेयर डिड गांधी जी इनिशियली फोर्स द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह, गांधी ने सत्याग्रह की शैली आरंभ कहां से की थी, बिल्कुल बताइए कहां से की थी भाई। देखो हम जानते हैं अफ्रीका में गांधी ने 21 साल बिताए और बहुत दिनों तक रहे, तो लियो टोलस्टॉय की जो थ्योरी थी सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी, तो बिल्कुल ज्यादा हमें उस पर न करते हुए साउथ अफ्रीका इसका राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए आवाज उठाई उन्होंने और वहां पर इस शैली को सबसे पहले किया, उसके बाद इंडिया में यहाँ पे चंपारण, खेड़ा, फिर उसके बाद अहमदाबाद ने नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट और क्विट इंडिया जैसे अलग अलग प्रस्ताव रखे गए। नेक्स्ट, हु वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी दांडी मार्च, जी हाँ गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था, गांधी जी की दांडी यात्रा जो आपको पता 1930 में शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से टू दांडी, 240 मील का लंबा रास्ता था, गांधी जी ने इसकी शुरुआत जो है इसकी शुरुआत 12 मार्च से गांधी जी ने कर दी थी और 5 अप्रैल तक ये रहा, उस समय भारत का वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन था, याद रखना, क्योंकि इरविन को गांधी जी ने 11th पॉइंट डिमांड रखी थी उनके सामने कि हमारी 11 मांगे आप मान लो नहीं तो हम सत्याग्रह करेंगे, उन्होंने नहीं मानी, उसमें एक कॉमन डिमांड थी नमक, इसलिए इसको सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं, ठीक है, बड़ा फेमस था। ठीक है, उस समय भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन हुआ करते, क्या आंसर है, लॉर्ड इरविन, फिर आपको बताया फिर इनके बीच में इरविन गांधी समझौता और ये बहुत बड़ा फेमस रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन न्यूज मैगजीन वॉज हाईली स्पेशल गांधी दांडी मार्च इनिशियल बट विद इन ए वीक कंप्लीटली चेंज द ओपिनियन सेल्यूटेड इन सन्स स्टेट्समैन, जी हाँ, तो निम्नलिखित में किस एक अमेरिका समाचार पत्र गांधी के दांडी मार्च के बारे में आरंभ में बहुत संख्यात्मक थी किंतु एक सप्ताह के भीतर उसने अपनी राय पूरी तरह से बदल दी और एक महात्मा के रूप में गांधी का अभिवादन किया, सोचो आप अमेरिका की मैगजीन ये छाप रही, गांधी ने जो किया बहुत अच्छा किया, पहली बार ओपिनियन बदला, कौन सी मैगजीन थी, दुनिया में एक मैगजीन का नाम बहुत सुना होगा, बिल्कुल आपने इनमें से आपको पता है कौन सी मैगजीन, टाइम्स मैगजीन, जी हाँ, तो ये आंसर भी टाइम मैगजीन ही है इसका। तो गांधी जी को दांडी मार्च में पहली बार छापा गया और गांधी का नाम भी गया था शांति के पुरस्कार के लिए नोबल में, लेकिन नहीं मिल पाया। तो अब देखो तीन क्वेश्चन गांधी जी से आ गए, एक तो ये वाला भी और ये वाला भी, तो ऐसे भी हो सकता है कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड, जी हाँ इंग्लैंड में कब पैसेंजर ट्रेन चली, जी हाँ बताइए, तो 1825 में इसका आंसर है, कब है बच्चों, 1825 में इंग्लैंड में पहली बार ट्रेन चलती है और वहां की शुरुआत के बाद कुछ दिनों बाद 1853 में इंडिया में भी मुंबई टू थाने ट्रेन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये 1825 इसका आंसर है जो वहां पर ब्रिटिश ने चलाई थी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ये 5 क्वेश्चन हमने रखे, बड़े इंपॉर्टेंट है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते जो गांधी से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए उठाएगा, तो आपको ऐसे पढ़ना है, सभी चीजें पढ़ना है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना, जय हिंद, वंदे मातरम।